जय जय श्री राधे, सभी को स्वागत है आपका लन किचन गार्डनिंग विद उत्सव चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपसे बात, सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि अभी हम लोग विंटर गार्डन वर्क्स में क्या क्या कर सकते हैं, अपनी वेजिटेबल, अपने फूलों को अच्छा पाने के लिए हम लोग किस तरह का भी काम क्या करें कि बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग हमको मिले आगे चलकर। इस टॉपिक पर हम पूरे बात करने वाले हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते ही रहें। फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते, साथ ही साथ हम आपको अपना गार्डन भी दिखाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखें, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि विंटर वेजिटेबल्स में अभी हम लोग क्या क्या लगा सकते हैं, जैसे कि बैंगन है, टमाटर है, मिर्च है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, लाल भाजी, पालक, ये सारी हम लोग भाजी वर्गी जितनी भी सभी लगा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारे बैंगन के पेड़ है जो कि हमने लगभग 1.5 महीने पहले 2 महीने पहले शिफ्ट किए थे। अभी तक इसमें हार्वेस्टिंग शुरू नहीं हुई है, फ्लावरिंग शुरू हो रही है धीरे धीरे। तो इस स्टेज पर हमको क्या करना है, जब हमारे गार्डन में, जब हमारे वेजिटेबल्स में फ्लावरिंग शुरू होती है तो हमको इसमें अच्छी तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र जो कि सरसों खली का नाइट्रोजन, क्योंकि पोटेशियम रिच रहे, फॉस्फोरस रिच रहे, जैसे केले के छिलके का, अभी दिवाली में बहुत आते हैं फ्रूट्स, तो उनके आप पील्स का बना सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत असर करता है, तो इस तरह से आप लोग फर्टिलाइज़र्स दे। उससे बड़ी बात, जो भी आपके इंसेक्ट्स पेस्ट है उस पर ध्यान दें, कटिंग छटाई है वो सब करते रहें, इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे करें, नीम ऑयल स्प्रे करें। तो प्रिवेंशन के तौर पर आप स्प्रे करेंगे तो आपके में कीट आएंगे ही नहीं। तो हमने कल ही इसके कुछ पत्ते भी काटे हैं जिनमें एफिड दिख रहे थे और उनमें नीम ऑयल स्प्रे किया। इस तरफ पर आप देखेंगे तो हमारे टमाटर हैं जो कि बहुत बुशी हो रहे हैं, बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। तो इनमें हमने अभी क्या किया है, पिंचिंग का कार्य किया है। पिंचिंग क्या होती है, ऊपर से हम इसका जो स्प्राउट निकलता है जो, उसको हम लोग ऐसे फटक देते हैं तो वो नए जो नई ब्रांचेस आती हैं उसमें ज़्यादा फीमेल फ्लावर्स आते हैं। साथ ही साथ इस तरफ में अभी देखेंगे तो आप हमारे पूरे टमाटर हैं, टमाटर में भी हमने ये काम किया है और लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने रख दिया। अभी टमाटर शिफ्ट किए 15 दिन हो गए हैं, अब हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र 3-4 दिनों में तैयार हो जाएगा, सरसों खली और गोबर खाद का, वो हम लोग दे देंगे। साथ ही साथ इधर पर आप लोग देखेंगे गुलाब लगे हुए, बहुत अच्छे गुलाब लगते हैं इसमें। तो ये गुलाब के लिए हमने क्या किया था, महीने भर पहले इसमें अच्छी खाद दी थी, अब कल हमने इसमें अच्छे से गोबर खाद दी, आपको दिख रही होगी अभी ब्लैक ब्लैक, अच्छे से मिक्स करके दी और फिर अच्छा पानी दे दिया। तो अब इसमें हमारे फ्लावर्स का साइज़ भी बहुत अच्छा आएगा और क्वांटिटी भी बहुत अच्छी होगी। तो ये किया है हमने काम, ये गेंदा कटिंग से लगा था, ये भी बहुत अच्छा अभी ग्रो कर रहा है। थोड़ा बहुत इल्ली वगैरह का अटैक हो रहा है, इल्लियाँ दिखती नहीं हैं, ऐसे कलर की आई हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, हम स्प्रे करते हैं तो वो फिर भाग जाती हैं। ये देखिए, ये सब टमाटर है, सब में अभी पिंचिंग की है, अगर इसमें आपको कोई कीड़े दिखते थोड़ा बहुत आप इसमें स्प्रे करते रहें। ये हमारे लाल भाजी और पालक है, इस तरफ थोड़ी धूप 12 के बाद आती तो ज़्यादा अच्छी ग्रोथ तो नहीं है, तो इसका हम लोग साइज़ जगह चेंज करेंगे। तो आप लोग इस बात का विशेष विशेष ध्यान रखें कि जहाँ पर आपकी धूप आती हो आप लोग उधर पर अपनी वेजिटेबल्स को अच्छे से रखें। 5 से 6 घंटे की धूप में वेजिटेबल्स बहुत अच्छी ग्रो होती है। इधर भी बैंगन लगा है, सब में हमारे देखें आप लोग फ्लावर्स आने वाले हैं, 2-4 दिन में ब्लूम होने लगेंगे। इधर पे मूली लगी है, अभी थोड़ी स्प्राउटी हुई है तो 4-6 दिन में बड़े पत्ते होने लगेंगे। देखिए, इधर पे भी बैंगन इतने बड़े कंटेनर में, आप लोग तो कंटेनर साइज़ का बहुत बहुत विशेष कर ध्यान रखें, जितना अच्छा आपका कंटेनर साइज़ होगा उतनी अच्छी आपकी वेजिटेबल होगी। इस तरफ पर भी हमारा बैंगन है, आप लोग देखेंगे इसको बिना पिंचिंग के कितना ज़्यादा बुशी हुआ है, इसमें भी बहुत जल्दी फ्लावरिंग शुरू होने वाली, इसमें भी हमने कल अच्छी तरह से खाद दी है। जब प्लांट आपका इतना बड़ा हो फ्लावरिंग स्टेज के पहले तब आप इसमें गोबर की खाद दे दें, बहुत अच्छी तरह से डीकम्पोज की हुई, तो उससे फिर आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। ये देखेंगे लाल भाजी में 4 से 5 दिन में इसकी भी हम लोग हार्वेस्टिंग ले लेंगे, बहुत अच्छी ग्रो हो रही, सेकेंड टाइम हार्वेस्टिंग होगी। ये पालक देखेंगे तो देखें आप लोग इस तरह से हमारे इसमें कैटरपिलर्स आ रहे हैं और यही समस्या का कारण है, तो इसको आप लोग दूर निकाल करके फेंक दें। देखिए, पत्ती थोड़ी तो आपको डैमेज दिख रही होगी, ये सब कैटरपिलर्स का है, बाकी कोई इससे नुकसान नहीं होता है ज़्यादा। इधर पर देखेंगे तो बैंगन है, ये हमारा फ्लावरिंग भी करने लगा, शुरू के कुछ फ्लावर्स झड़ेंगे लेकिन फिर बाद में आपका बैंगन बनने लगेगा। और इधर पर हम आपको अपराजिता दिखा दें, तो अपराजिता में फ्लावरिंग कम हो रही है, फ्लावरिंग कम होने का कारण है थोड़ा सा कम ध्यान दे पाना, उस वजह से आपके अगर सीड्स सेट होने लगते हैं
तो देख सकते हैं आप लोग इस तरह से फिर ये सीड्स आ जाते हैं, तो प्लांट अपनी एनर्जी उसमें लगाने लगता है। हमको ये सीड्स को नहीं उगने देना, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इन सीड्स को निकालते जाए हम लोग, जैसे ही फ्लावर रोज़ तोड़ लेते हैं, वैसे कभी कभी छूट जाता है तो फिर ऐसा होता है। इधर पर आप देखेंगे एक लौकी भी मैच्योर हो रही है बहुत अच्छी, 3 से 4 दिन में ये भी बड़ी हो जाएगी तोड़ने लायक, अच्छी बेल बड़ी है। ये और फीमेल फ्लावर है, 1-2 दिन में खिलेंगे। इस तरफ पर कुछ खिले थे तो मेल फ्लावर नहीं था तो पॉलिनेशन नहीं हो पाया, 2 फ्लावर इस तरफ पर खिले, इसमें भी कुछ थोड़ा बहुत इल्ली का अटैक है। तो हम लोग इस तरह से बस अपने गार्डन में ध्यान देते रहें समय समय पर कि हमको क्या करना है, क्या हार्वेस्टिंग होनी है, क्या फर्टिलाइज़र देना है, प्लांट को क्या ज़रूरत है, पानी की तो ज़रूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। और अगर आपको भाजियाँ अच्छी चाहिए तो उसके लिए भी हम एक प्रॉपर वीडियो संडे को अपलोड करेंगे, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। और इस तरफ दिखा दे तो देखिए कितनी अच्छी लाल भाजी है, पालक है। तो सभी में आप लोग फर्टिलाइज़र दें, थोड़ी सी केयर करें, और अभी आप लोग लाल भाजी पालक एक एक बैच करके डालते जाएं तो बहुत अच्छी आपको आगे हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी। बस यही वीडियो था, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे सभी को।